आज विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था। लोग लगातार मतदान करने पहुंचे। इसी कड़ी में मानकपुर की जनता में भी मतदान के दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। मानकपुर की जनता ने किन मुद्दों पर आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया, देखिए संवाददाता मोहम्मद अनीस की ये रिपोर्ट। मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में आज पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है, जहां हम आज मानिकपुर के आदर्श इंटर कॉलेज में हैं, जो मानिकपुर का आदर्श बूथ के रूप में रखा गया है। आज यहां सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है और यहां मतदाता मतदान कर जा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मतदाता जो मतदान कर वापस जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मऊ मानिकपुर विधानसभा मतदान में, टोटल मतदाता 3,38,122 है, जहां पुरुषों की संख्या 1,83,119 है, वहीं महिलाओं की संख्या 1,55,003 है, जहां 10 प्रत्याशी मैदान पर है, जिसका फैसला आज ईवीएम पर कैद हो रहा है। आइए हम आज यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं कि किस मुद्दे पर यहाँ वो मतदान किए हैं। जी, आप आज वोट डाले हैं तो किस मुद्दे को लेकर आप वहाँ? देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरे लिए प्राथमिकता है मेरी शिक्षा है, मेरा स्वास्थ्य है, मेरी सुरक्षा है, मेरी संस्कृति है, मेरा राष्ट्रवाद है। ये सारे मेरे मुद्दे रहे हैं जिसको मैं प्राथमिकता को लेकर इसको आज वोट किया है। मैं इस उम्मीद से प्रयास की कि आने वाले जो सरकार होगी एक अच्छी सरकार बनेगी, जो शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पर काम करेगी और विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाएं मिले, विश्वविद्यालय में अच्छी सुविधाएं मिले, इसलिए मैं वोट किया हूँ। हाँ, आप जब आए हैं तो यहाँ किस स्वास्थ्य कोरोना को देखते हुए यहाँ पास क्या सुविधाएँ हुई हैं, जिससे मिली है यहाँ पर सुविधा? जैसे हम मतदान स्थल पहुँचे हैं तो देखते हैं कि सैनिटाइज किया गया है, ग्लव्स भी दिए गए हैं, तो पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और मुझे लगता है व्यवस्था अच्छी की गई यहाँ पर। मेरा नाम आशीष है और मैं विद्यार्थी हूँ। जी, आइए जानते हैं एक मतदाता से जो अभी वोट डालकर आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? देखिए, मैं बता दूँ कि तो सर्वप्रथम तो मतदान करना हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, और मुद्दा जहाँ मुद्दा वाली बात है तो मुद्दा यहाँ पर देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ठीक है, ये सब सारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने भी मतदान किया है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी बात जो पलायन की बात कही जा रही है, तो पलायन को लेकर यहाँ बहुत लोग परेशान हैं जो यहाँ से कमाने के लिए बाहर जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी पूर्ववर्ती सरकारें अभी तक आई हुई हैं, यहाँ से सांसद विधायक जो भी चुने गए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि स्थानीय लोगों को रोज़गार की व्यवस्था हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्षेत्र खेती की उसमें भी पीछे है और रोज़गार की व्यवस्था न होने के चलते लोगों को जीवन यापन करने के लिए क्षेत्र में पलायन करना पड़ता है, यहाँ से बाहर दूर दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र को जाना पड़ता है। चित्रकूट से केकेडी न्यूज। चित्रकूट के ग्रामीण इलाकों में फिलहाल शांति रूप से कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मतदान किए जा रहे हैं। अगर बात करें चित्रकूट विधानसभा 236 की, तो यहां सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ही टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं इन दोनों के पीछे बीएसपी भी लगी हुई है, लेकिन जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी है वो है समाजवादी प्रत्याशी अनिल प्रधान। वहीं बीजेपी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, क्योंकि यहां भाजपा की ओर से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय प्रत्याशी हैं। बता दें कि चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय बीजेपी की वर्तमान सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं। आज मैं चित्रकूट जिले के ग्राम भगवत में बूथ संख्या 324 में मौजूद हूँ। हम कह रहे थे कि वो वाली रिपोर्ट अलग जानी थी, वो इसी में क्यों दे दी? वहाँ पे कट कर देना चाहिए था, वो अलग से जानी थी। ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है वो अलग जाती है, और किस प्रकार की सिक्योरिटी है और कैमरा भी लगा वो हम वहाँ भी बता के आए थे उसको। ग्राउंड रिपोर्ट जो भी आए वो अलग दे देना, जिले के अंतर्गत ग्राम भगवतपुर में बूथ संख्या 324 में उपस्थित हूँ, जहाँ पर मतदाता अपना वोट डाल करके बाहर निकले हुए हैं और पूछताछ करते हैं क्या माहौल है, किसको चुनना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार। अच्छा, वोट डाल चुके क्या चल रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।